खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी, इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। रीवा और मऊगंज जिले में 8 सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर देती, लेकिन कांग्रेस के अभय मिश्रा ने राजेंद्र शुक्ल के विजय रथ को रोक दिया। यदि सेमरिया विधानसभा से अभय मिश्रा चुनाव नहीं जीतते तो राजेंद्र शुक्ला का कद ऑलरेडी बड़ा है और बड़ा हो जाता, और राजेंद्र शुक्ला यह कहते कि मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब लगातार दो बार किसी जिले में कांग्रेस का खाता न खुला हो। यदि सेमरिया से अभय मिश्रा नहीं जीतते तो यह पहला अवसर होता जब रीवा से लगातार भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर चुनाव जीतने वाली पार्टी बन जाती। टिकट वितरण के पहले अभय मिश्रा माहौल को भांपते हुए कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए थे। उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि सेमरिया से टिकट मिल जाएगी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अभय मिश्रा के नाम पर राजेंद्र शुक्ला अड़ गए। राजेंद्र शुक्ला के विरोध के चलते अभय मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिल पाई। एक बार पुनः राजेंद्र शुक्ला अपने वफादार केपी त्रिपाठी को फिर से टिकट दिला दी, लेकिन केपी त्रिपाठी के सेमरिया विधानसभा में इतने पाप थे कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी प्रचंड लहर में भी केपी त्रिपाठी को अभय मिश्रा ने चुनाव हरा दिया। अभय मिश्रा को जब यह लगा कि भारतीय जनता पार्टी वाले टिकट नहीं देंगे तो उन्होंने फिर से एक बार कांग्रेस ज्वाइन कर ली और कांग्रेस से टिकट भी ले आए। अभय मिश्रा ने जिस तरीके से दलबदल किया उसके चलते मीडिया में उन्हें दलबदलू भी कहा गया। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरे रीवा जिले में जितने भी कांग्रेस प्रत्याशी लड़ रहे थे सबसे घटिया इमेज अभय मिश्रा की बन गई। बावजूद इसके अभय मिश्रा के अंदर एक लड़ने वाली काबिलियत थी। अंतिम समय तक अभय मिश्रा हार नहीं मानते, जिसके चलते अभय मिश्रा सेमरिया विधानसभा से चुनाव जीत गए और भारतीय जनता पार्टी के केपी त्रिपाठी चुनाव हार गए। हालांकि केपी त्रिपाठी के चुनाव हारने से राजेंद्र शुक्ल की छवि को भी बट्टा लगा है। यदि राजेंद्र शुक्ला केपी त्रिपाठी के लिए नहीं अड़ते और भारतीय जनता पार्टी अभय मिश्रा को टिकट दे देती तो एक बार पुनः रीवा जिले के इतिहास में ऐतिहासिक जीत दर्ज हो जाती। यदि अभय मिश्रा भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ते तो रीवा और मऊगंज जिले को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः 8 सीट जीतने में कामयाब हो जाती, लेकिन राजेंद्र शुक्ला के विरोध के चलते रीवा में इतिहास नहीं बन पाया। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक आपने विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आग्रह है कि आप विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर अपना आशीर्वाद हमें जरूर प्रदान करें।